रिप्योर प्रिंटिंग मशीन पर रजिस्ट्रेशन सेटिंग के बारे में बात करेंगे। मैंने देखा है कि मशीन पर लोगों को, खासकर नए लोगों को, रजिस्ट्रेशन सेटिंग में बहुत मुश्किल होती है। रजिस्ट्रेशन सेटिंग में आने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम के, कुछ कॉमन मुश्किलों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी बातों को जानते हैं जिसका संबंध मशीन पर रजिस्ट्रेशन कंट्रोल से है। सबसे पहले ARC, ARC का मतलब ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है, और जिस सिस्टम में, जिस पैनल में हम ARC की प्रोग्रामिंग करते हैं, जॉब बनाते हैं, उसको ARC पैनल कहते हैं। दूसरा, फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट आउट। जब एक नंबर का वेजमार्क सेंसर के सामने से पहले निकलता है तो उसको फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट आउट कहते हैं। इसमें एक नंबर ऊपर होता है जिसको अधिकांशतः लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं। तीसरा, फर्स्ट प्रिंट लास्ट आउट। जब एक नंबर का वेज मार्क सेंसर से लास्ट में निकले, मतलब एक नंबर नीचे हो, तो इसको फर्स्ट प्रिंट लास्ट आउट कहते हैं। इसे अधिकांशतः इंडस्ट्री में लोग रिवर्स डायरेक्शन भी कहते हैं। चौथा, ये ब्लॉक जो आपने प्रिंटिंग के दौरान साइडों में बना होगा, जिधर बेंचमार्क रहता है उससे एक नियत दूरी पर होता है, इसे AME ब्लॉक मार्क कहते हैं। इसके साथ ही कुछ और मार्क हैं जो सिलेंडर पर इंग्रेव होता है प्रिंटिंग के समय, सब्सट्रेट पर प्रिंट होता है, जो सेंसर के द्वारा रीड करके उसके स्थिति की जानकारी कंट्रोल पैनल को देता है। कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिक उसको करेक्ट प्लेस पर रखता है। इस मार्कों के नाम और शेप इस प्रकार हैं। पहला, वेज मार्क, जिसको हम ऑटोटोन मार्क भी कहते हैं, यह ट्रेंगुलर शेप में होता है। इसकी साइज अलग अलग हो सकती है। इसकी साइज ARC में नाप के बनाया जाता है। इसकी साइज छोटी और बड़ी हो सकती है, एक साइड से छोटी बड़ी या तीनों तरफ से छोटी बड़ी हो सकती है। मोस्टली सभी ग्रुप्योर प्रिंटिंग प्रेस में यही मार्क यूज होता है। यह ट्रेंगुलर शेप में होता है। यह लेंथ एंड साइड रजिस्ट्रेशन दोनों को कंट्रोल करता है। दूसरा, ब्लॉक मार्क या लाइन मार्क। यह रेक्टेंगुलर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। इससे केवल लेंथ रजिस्ट्रेशन ही कंट्रोल किया जा सकता है, इससे साइड रजिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यदि आपको इंडस्ट्री में कभी लाइन मार्क का जॉब मिल जाए तो आप उसे साइड ले मैनुअल करके ये जॉब चला सकते हैं। उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें अप और डाउन ऑटो में चलेगा, साइड ले अंदर बाहर मैनुअल चलाना पड़ेगा। तीसरा है डबल ब्लॉक मार्क। इसमें टू पीस रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, एक रेक्टेंगुलर एंड दूसरा टिल्टेड ब्लॉक होता है। इससे लेंथ एंड साइड रजिस्टर दोनों कंट्रोल करता है। डबल ब्लॉक मार्क में लेंथ रजिस्ट्रेशन की एक्यूरेसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। चौथा है डॉट मार्क। इसमें सर्कुलर रजिस्टर मार्क होता है, इससे लेंथ एंड साइड रजिस्ट्रेशन दोनों कंट्रोल किया जा सकता है। पांचवा और आखिरी मार्क है एज मार्क या डबल एज मार्क। यह वन डायमेंशनल रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, इससे केवल और केवल लेंथ रजिस्ट्रेशन ही कंट्रोल किया जा सकता है, या भी लाइन मार्क के तरह ही होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं सेटिंग के समय पॉइंट कैसे नाप के डालते हैं। दोस्तों, प्रिंटिंग मशीन पर वेज मार्क या ऑटोट्रोन मार्क या रजिस्ट्रेशन दो डायरेक्शन में प्रिंट होता है। पहला, जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे, फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट आउट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, फर्स्ट प्रिंट लास्ट आउट, मतलब रिवर्स डायरेक्शन। तो अब इसको नापते कैसे हैं, देखिए। यदि प्रिंटिंग फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट आउट है, मतलब एक नंबर ऊपर हो, तो इसको हमेशा एक नंबर को इस तरह स्केल पर रखकर
नापते हैं, और यदि फर्स्ट प्रिंट लास्ट हाउस हो तो एक नंबर को नीचे करके इस प्रकार स्केल पर रखकर हमेशा इसे नापते हैं। और इसी को और आसान भाषा में समझें तो मशीन में जैसे प्रिंटिंग हो रही है, एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे देख ले। यदि एक नंबर ऊपर है तो इस तरह नापना है, और यदि एक नंबर नीचे है तो आपको इस तरह से नापना है। बस केवल आप ये याद रखिए, ये ध्यान में रखिए कि मशीन में किस डायरेक्शन में हमारी प्रिंटिंग हो रही है, एक नंबर ऊपर है या नीचे। फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट आउट, फर्स्ट प्रिंट लास्ट आउट भी आपको जानने या समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप ये रखिए ध्यान, एक नंबर ऊपर है या एक नंबर नीचे। एक नंबर अगर आपका ऊपर है तो इस तरह से, एक नंबर अगर आपका नीचे है तो आपको इस तरह से हमेशा नापना है। बात करें प्लस या माइनस पॉइंट की, कब माइनस में होगा कब प्लस में होगा, तो आइए उसको समझते हैं। यदि एक नंबर ऊपर चल रहा है तो इस तरह से रखेंगे, और एक नंबर के मार्क नीचे जितने भी होंगे वो प्लस पॉइंट में आएंगे, और एक नंबर के ऊपर जितने भी आएंगे वो माइनस मार्क में आएंगे। मतलब ऊपर वाले को माइनस डालेंगे, जितना पॉइंट यहाँ से है वो एक नंबर के पास आ जाएगा, नीचे वाले को प्लस में डालेंगे तो वो उठ के एक नंबर के पास में आ जाएगा। हमारा पॉइंट डालने का उद्देश्य केवल सभी को एक साथ लाने का है। और यदि एक नंबर नीचे चल रहा है इस तरह से, तो एक नंबर को हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, एक नंबर मार के जितने भी नीचे हैं उन सब को प्लस में, और एक नंबर मार के जितने भी ऊपर हैं इन सब को माइनस में। इसमें भी वही रखना है, बस नापने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। अगर एक नंबर ऊपर है तो इस तरह, एक नंबर नीचे है तो इस तरह, बस इतना ही समझना है कि कब ऐसे रखना है कब ऐसे रखना है। इसमें किसी भी प्रिंटर को कहीं से भी कोई अगर दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस समस्या का पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप कभी एक नंबर को छोड़कर किसी और को मास्टर मानते हैं, किसी और को मास्टर मान के यदि पॉइंट नापते हैं तो कैसे नापेंगे वो जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि हम पॉइंट को नापते क्यों हैं। जब हम सिलेंडर मशीन पर लोड करते हैं उसके बाद प्रिंट करते हैं तो सभी कलर अपनी नियत स्थान पर नहीं होते हैं। जब तक सभी कलर अपनी रजिस्ट प्लेस पर नहीं प्रिंट होंगे तब तक हमें फुल कलर इमेज प्राप्त नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। जब सभी कलर अपने रजिस्ट प्लेस पर प्रिंट होंगे तो ही हमें एक गुड करेक्ट फुल कलर इमेज हमें प्राप्त होगी। इसीलिए सबको पास लाते हैं ताकि ARC में उसको गेट के अंदर पल्स पकड़ के उसे ऑटो में डाला जा सके। अब हम जानते हैं किसी भी नंबर को मास्टर मान के पॉइंट कैसे नापते हैं। मशीन पर ये हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट आउट जॉब चल रहा है, मतलब एक नंबर हमारा ऊपर चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा जॉब चल रहा है। इसमें यदि हम चार नंबर को मास्टर मान लेते हैं तो चार नंबर का पॉइंट हमारा जीरो हो जाएगा, चार नंबर हमारा जहां है वहीं रहेगा, बाकी जितने भी कलर का जॉब है उन सारे कलर को हमको चार नंबर के पास एकदम ले आना है। तो उसके लिए क्या करना है, चार नंबर के ऊपर जितने भी मार्क होंगे, चार नंबर के ऊपर जितने भी मार्क होंगे उनको हम माइनस में लेंगे ताकि वो चार नंबर के पास आ जाएं, और चार नंबर के नीचे जितने भी मार्क होंगे उनको हम प्लस में लेंगे ताकि वो चार नंबर के पास आ जाएं। इस तरह से हम मास्टर मान के जॉब डालते हैं। और यदि अक्सर ऐसा होता है कि एक सिलेंडर चेंज होता है ब्लैक का, तो ऐसी स्थिति में कभी भी पूरे जॉब को ना नापें, केवल आप एक नंबर का सिलेंडर चेंज करें। एक नंबर का पॉइंट हमेशा लगभग जीरो होता है, अगर नहीं है तो उसको जीरो कर लें, मशीन चालू करें, एक नंबर दो नंबर का स्लू गिरा लें, प्रेशर गिरा लें। एक नंबर जब दो नंबर दोनों एक साथ प्रिंट हो जाए, दोनों जो एक नंबर नया वाला सिलेंडर लगाया है उसका प्रिंट दो नंबर पर आ जाए, तो वहाँ से काट के
आप जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है उसको दो नंबर को मास्टर मान के एक नंबर को आप डालिए, बाकी सारा रजिस्ट्रेशन अपने आप आ जाएगा। बाकी जो पॉइंट है बाकी को नहीं छेड़ना है, आपको उतना प्लस या माइनस जो भी आए एक नंबर में डालना है। यदि आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं जैसे गेट क्या है, पॉइंट डालना, यदि आप मशीन में पॉइंट को जीरो करना भूल गए हैं और आपने प्रिंट ले लिया है तो किस तरह से उस बगैर दोबारा प्रिंट मारे किस तरह से उस पॉइंट को डालें कि आपका रजिस्ट्रेशन आ जाए, नए पॉइंट और जो पुराना पॉइंट पड़ा है उसको लेके किस तरह से डालें कि आ जाए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी।